हेलो स्टूडेंट, आरसीई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्रकाश संश्लेषी वर्णक प्रकाश संश्लेषी वर्णक के बारे में आपको बताया गया था कि पादप होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होते हैं, जो वर्णकों के रूप में करते हैं, जिन्हें प्रकाश संश्लेषी वर्णक बोलते हैं। जो आपको बताया था, नंबर एक क्लोरोफिल, नंबर दो कैरोटीनॉइड्स, नंबर तीन फाइकोबिलेंस, क्लोरोफिल का अध्ययन कर चुके थे पिछली क्लास में, तो आज हम बात करेंगे कैरोटीनॉइड्स क्या हैं। ध्यान देंगे, कैरोटीनॉइड्स एक प्रकार से सहायक वर्णक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कैरोटीनॉइड्स एक प्रकार से कैसा वर्णक है, सहायक वर्णक है, जो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके क्लोरोफिल को स्थानांतरित करता है। यानी प्रकाश ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, उसे क्लोरोफिल को स्थानांतरित करने वाला कैरोटीनॉइड्स होता है। अर्थात वेकेन रोडर ने गाजर में कैरोटीनॉइड्स को खोजा। तो याद रखें, वेकेन रोडर थे जिन्होंने गाजर के अंदर कैरोटीनॉइड्स को खोजा। और इसके दो प्रकार हैं, नंबर एक कैरोटीन, और नंबर दो होता है जैंथोफिल। कैरोटीन क्या है, बात सबसे पहले कैरोटीन की करेंगे। कैरोटीन कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना है। इसका मूलानुपाति सूत्र होता है C40H56। ये इसका क्या होता है, मूलानुपाति सूत्र होता है। यानी किससे मिलकर बना है, कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि कैरोटीन होगा जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। इसका मूलानुपाति सूत्र होगा जो C40H56 होता है। यह सामान्यतः लाल रंग का होता है। कैसे रंग का होता है, लाल रंग का होता है। अर्थात गाजर को पीला रंग देने वाला कैरोटीन होता है। यदि हम बात करें कि जैसे तरबूज होता है, गाजर होता है, इसको लाल रंग प्रदान करने वाला इसी का वर्णक होता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन होता है जो तरबूज गाजर होता है उसको लाल रंग प्रदान करने वाला कैरोटीन का वर्णक एंथोसाइनिन होता है। इसी प्रकार से लाइकोपिन है, जो टमाटर को रंग प्रदान करने में क्या होता है, सहायक होता है। टमाटर को लाल रंग प्रदान करने वाला एक प्रकार से कौन सा होता है, लाइकोपिन।
गाजर को लाल रंग प्रदान करने वाला कौन सा होता है? एंथोसाइनिन होता है। और टमाटर को लाल रंग प्रदान करने वाला क्या होता है? लाइकोपिन। ध्यान रहे, कैरोटीन अल्फा कैरोटीन बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन कैरोटीन के तीन प्रकार हैं, अल्फा बीटा और गामा, ये कैरोटीन के प्रकार हैं। तो ध्यान रहे, कैरोटीन होता है जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। इसका मूलानुपाति सूत्र होता है जो क्या होता है, C40H56 होता है। और इसका रंग सामान्यतः कैसा होता है? लाल होता है। एंथोसाइनिन वर्णक के कारण एक प्रकार से गाजर तरबूज होता है उसको रंग प्रदान करने में क्या होता है? सहायक होता है। लाइकोपिन एक प्रकार से टमाटर को लाल रंग प्रदान करने में क्या होता है? सहायक होता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं जैंथोफिल की। कैरोटीन का दूसरा भाग है जैंथोफिल, जैंथोफिल वर्णक होता है जो कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, याद रखें CHO। यानी इसका मूलानुपाति सूत्र होता है जो C40H56O2, ये इसका क्या होता है, मूलानुपाति क्या होता है, सूत्र होता है। इसी के वर्णक हैं जैसे ल्यूटीन है, क्रिप्टोजेंथेन है, क्रिप्टोजेंथिन क्रिप्टोजेंथिन जियोजेंथिन न्योजेंथिन फ्यूकोजेंथिन ये कुछ इसके जैंथोफिल के वर्णक हैं। अर्थात ल्यूटीन क्रिप्टोजेंथिन जैसे फ्यूकोजेंथिन है जो एक प्रकार से किसमें पाया जाता है, सैवाल होती है, भूरी सैवाल, उसके अंदर एक प्रकार से कौन सा फ्यूकोजेंथिन उपस्थित होता है, पत्तियां होती हैं जिसके अंदर एक प्रकार से हरी पत्तियां होती हैं, उसमें कौन सा उपस्थित होता है, ल्यूटीन उपस्थित होता है। तो ये कैरोटीनॉइड की बात थी। नंबर तीन की बात करें प्रकाश संश्लेषी वर्णक में फाइकोबिलिन्स फाइकोबिलिन्स जिसे ब्ली प्रोटीन के नाम से जानते हैं, अर्थात यह है लाल व नीले हरे सैवाल, नीले हरे सैवाल में पाया जाता है। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है फाइकोएरिथ्रिन नंबर दो है फाइकोसाइनिन। फाइकोएरिथ्रिन होता है जो एक प्रकार से लाल रंग का वर्णक है। यह कैसा वर्णक है? लाल रंग का वर्णक है यह लाल रंग का वर्णक है जो रोडोफाइसी रोडोफाइसी में लाल सैवाल आती हैं, जैसे पोलिसाइफोनिया है, जिलिडियम है, ये रोडोफाइसी में आने वाली क्या है, सैवाल हैं, उनके अंदर कौन सा पाया जाता है, फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है। कि याद रखें कि लाल रंग का वर्णक होता है और जो रोडोफाइसी वर्ग की क्या होती हैं, सैवाल होती हैं, उसके अंदर कौन सा पाया जाता है, फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है। फाइकोसाइनिन नीले हरे रंग का वर्णक, याद रखें नीले रंग का वर्णक है, ये कैसे रंग का वर्णक है,
नीले रंग का वर्णक है, अर्थात साइनोफाइसी वर्ग की शैवाल, साइनोफाइसी वर्ग की क्या होती है, शैवाल होते हैं, उसके अंदर फाइकोसाइनिन पाया जाता है, अर्थात ये नीले रंग का वर्णक है, जैसे नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक ऑसिलेटोरिया आदि प्रकार की क्या होती है, शैवाल होती हैं, जो कौन से में आती हैं, फाइकोस यानी साइनोफाइसी वर्ग में आती हैं, और उनके अंदर पाए जाने वाला वर्णक कौन सा होता है, फाइकोसाइनिन। ध्यान रहे, फाइको एरिथ्रिन है ये कैसा वर्णक होता है, लाल रंग का वर्णक है। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक के बारे में आप समझ गए होंगे, मैं दोबारा से दोहराना चाहूँगा कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या है, कि पादप होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है, जो किसके रूप में करते हैं, वर्णकों के रूप में करते हैं, किसके रूप में करते हैं, वर्णकों के रूप में, वर्णकों के रूप में करते हैं, इसलिए इन्हें प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। और इसके तीन प्रकार बताए थे, नंबर एक क्लोरोफिल, नंबर दो कैरोटीनॉइड्स। नंबर तीन फाइकोवेलेंस। क्लोरोफिल मुख्य प्रधान वर्णक है, सभी हरे पादपों में पाए जाने वाला मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो पादपों में उपस्थित होता है वो कौन होता है, क्लोरोफिल। पादप जगत में ज्ञात क्लोरोफिल के बारे में आपको बताया गया था कि क्लोरोफिल ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और जो जीवाणु के अंदर आपको बैक्टीरियो विरिडिन बताया था और बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और इन्हीं के अंदर मुख्य प्रकाश क्लोरोफिल ए, जो एक प्रकार से जीवाणु को छोड़कर सभी हरे पादपों में उपस्थित होता है, वह क्लोरोफिल ए, जिसका रासायनिक सूत्र आपको बताया गया था C55H2O5N4 क्या होता है, Mg होता है। क्लोरोफिल की संरचना के बारे में आपको बताया गया था कि क्लोरोफिल की संरचना में कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, नंबर एक पोरफायरिन सीड्स, पोरफायरिन सीड्स, और दूसरा भाग होता है जिसे क्या बोला जाता है, फाइटोल, पूंछ के नाम से जानते हैं, जैसे आरए के माध्यम से आपको बताया था ये क्लोरोफिल की संरचना है और इसका पोरफायरिन सीड्स है, और जिसमें केंद्रीय परमाणु क्या होता है, एमजी होता है। तो ये अपना था क्लोरोफिल, उसके बाद में कैरोटीनॉइड्स आपको बता दिया था, नंबर तीन फाइकोविलेंस की बात कर रहे थे, इसके दो भाग थे फाइकोरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन, फाइकोरिथ्रिन लाल रंग का वर्णक है और फाइकोसाइनिन नीले रंग का वर्णक है, जो एक प्रकार से साइनोफाइसी वर्ग के शैवाल में पाया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।